दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके तीन तरह के सॉल्यूशन जो कि आपके एलईडी स्क्रीन पर इस तरह का नो सिग्नल ऊपर नीचे दौड़ रहा है तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके तीन फॉल्ट होते हैं दोस्तों, आपने तीनों को आसानी से समझना है और आप इस फॉल्ट को किस तरह से दूर करेंगे अपने घर पर बिना किसी मिस्त्री, बिना किसी इलेक्ट्रिशियन, बिना किसी टेक्नीशियन के। अब देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ हमारा सेटअप बॉक्स ऑफ है, हम कभी ध्यान नहीं देते और हमारा सेटअप बॉक्स गलती से ऑफ हो जाता है। अब कोई बच्चा वगैरह घर में कोई कर देता है तो भी हमारे स्क्रीन पर क्या आएगा दोस्तों, लिखा हुआ नो सिग्नल की समस्या यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये सेटअप बॉक्स ऑफ है तो हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। कई बार इसी के कारण भी हमारा छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, हम जैसे इसको सेटअप बॉक्स के रिमोट से ऑन करते हैं तो हमारा यहाँ पर LED DVD इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। देखिए DVD यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो गया, मतलब सेटअप बॉक्स और हमारा यहाँ पर ये चलने लग गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हम दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने क्या शेयर करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा सेटअप बॉक्स भी इस पोजीशन में ऑन है और यहाँ पर नो सिग्नल जो है ये ऊपर नीचे दौड़ रहा है, ठीक है, और नीली स्क्रीन इसमें आई हुई है। तो हम क्या करना है हमारे रिमोट में, ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये क्राउन का हमारा LED है और क्राउन की ये LED की समस्या मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ आप किस तरह सॉल्व करेंगे नो सिग्नल की। तो यहाँ पर आपको रिमोट जो क्राउन का है, इस रिमोट में सबसे ऊपर एक पावर का रेड बटन दिया है और उसके साथ में एक सोर्स नाम का एक बटन दिया है, ठीक है, एक क्राउन की LED है दोस्तों। बाकी रिमोट में कहीं ये बीच में हो सकता है सोर्स का बटन लिखा हुआ, या इनपुट लिखा हो सकता है, या इको लिखा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या करना है, इस सोर्स के बटन को क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह के तीन ऑप्शन यहाँ नज़र आ जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे AV1, AV2 और HDMI। तो हमारा क्या है कि AV2 के ऊपर ये हमारा सेट किया हुआ है, ठीक है। तो हम दोबारा से आपको दिखा देते हैं AV2 के ऊपर करके, अभी ये AV1 पे है ना, तो हमने AV2 पे हमने इसकी ऑडियो वीडियो लीड लगाई हुई है तो हम इसको AV2 पे लाएंगे और आपको दिखाते हैं। AV2 पे ले आते हैं इस तरह से और हमारा देखिए ये TV है, चल पड़ा, ये देखिए AV2 यहाँ लिखा रहा है, AV2 पे चला हुआ है। अब दोस्तों बात आती है तीसरा सोल्यूशन आपको क्या बताना है कि तीसरा जो फॉल्ट आ सकता है वो है हमारा LED की ऑडियो वीडियो लीड, ठीक है। यहाँ पर ऑडियो वीडियो लीड होगी आपके LED में लगी हुई है, तीन कलर की, देखिए रेड, वाइट और ब्लू कलर की, ठीक है, या कोई से भी कलर की हो सकती है, मैक्सिमम इसी कलर की होती है। तो आपने इसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना है बाहर निकाल करके लीड को, कि ये कहीं से टूटी तो नहीं है, या कहीं से इसकी वायर ब्रेक तो नहीं है, कहीं चूहे वगैरह ने नहीं काटी है, या फिर ये वहाँ पर लूज़ तो नहीं है। यदि आपकी ये बिल्कुल सही है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फिर से AV2 पे इसको क्लिक करना है और आपका जो LED का नो सिग्नल की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, पीछे से हमने इसकी LED के पीछे हमने जो पिन है वो AV2 में लगाई होती है या AV1 में लगाई होती है, तब भी ये समस्या होती है, और उसके अंदर भी तीन पिन होते हैं, उनको भी आपने कॉमन जोड़ देना है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले।